देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए 14 अप्रैल तक भारत में लॉकडाउन का ऐलान किया था। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जगह जगह पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। शिमला में थाना ढली के अंतर्गत लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले 21 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं 10 वाहन भी जब्त किए गए हैं। समूचे विश्व में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है, जिससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। वहीं देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। पुलिस जवान लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जगह जगह पर तैनात हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी इन लोगों से सख्ती से निपट रही है। शिमला में थाना ढली के अंतर्गत भी पुलिस ने कई मामले दर्ज किए हैं और ऐसे 21 लोग हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। पुलिस विभाग ने क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे 10 वाहन भी बॉन्ड किए हैं जो बेवजह सड़कों पर दौड़ रहे थे। SHO ढली राजकुमार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को हल्के में न लें और घरों में ही रहें। उन्होंने ये भी कहा कि कर्फ्यू में ढील के दौरान जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से केवल एक ही व्यक्ति आए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। थाना ढली के अंदर अभी तक अलग अलग तरह की वायलेशन है, जैसे सब्जियों के रेट है, कई बार सब्जियों के रेट ज़्यादा लगा दिए तो उसमें भी हमने रजिस्ट्रेशन की है। कई बार जैसे लोग अननेसेसरी घूम रहे हैं उसमें भी हमने, जिन्होंने वायलेट किया है कर्फ्यू को वायलेशन की है उसमें भी हमने रजिस्ट्रेशन किया है। तो कुल मिला के जो है 21 FIR अभी तक हमने रजिस्टर किया और उसके अलावा इसमें 37 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा दूसरे जो प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए गए हैं, जैसे कलंदरा वगैरह बनाए हैं। क्या ऐसे वाहन भी हैं जिन्हें जो है बॉन्ड किया गया, जिन्होंने जो है लॉकडाउन का उल्लंघन किया है? बिल्कुल सर, ऐसे 10 वाहन अभी तक हमने इम्पाउंड किए हैं। तो आप आम जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन जिस तरह से लॉकडाउन का पालन कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों की किस तरह से सहयोग की अपील करते हैं? लोगों से हम यही सहयोग की अपील करते हैं कि जिसको किसी को जरूरी सामान खरीदना है, आटा चावल राशन या सब्जी खरीदनी है, तो घर से सिर्फ एक आदमी आए और अपना सामान लेके तुरंत घर को वापस लौट जाए, बिना वजह सड़क पे ना घूमें, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है और ये जो कर्फ्यू लगाया गया है ये लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। तो हमारी आम जनता से अपील है कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जनता से वही है कि हम जो नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, FIR रजिस्टर कर रहे हैं। तो हम इमरजेंसी सेवाओं की जरूरत थी, जैसे 2 महिलाएं हमने अलग अलग टाइम में अलग अलग डेट पे जो रेस्क्यू की है, जिन्होंने पुलिस को अप्रोच किया है, और उस दौरान जो एम्बुलेंस सेवाएं थोड़ा ना पहुँच पाई थी टाइम से, तो उनको हमने रेस्क्यू किया और KNH तक पहुँचाई दोनों महिलाएं सुरक्षित। और दूसरा जो है वो 2 बच्चों की हमारे पास वो आई थी इन्फॉर्मेशन की, वो जो है वो वाटर टैंक में जो है वो सो रहे हैं, और तो उन बच्चों को भी हमने रातों रात रेस्क्यू किया था और उनको जो बालासाहेब में छोड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।